एक बात तो आपने सुना ही होगा, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय आपके भविष्य का निर्धारक होता है। आज का जो टॉपिक है वो है बैक टू ऑफलाइन। इसे न सिर्फ स्टूडेंट को सुनना चाहिए बल्कि गार्जियंस को भी सुनना चाहिए। ये एक विडंबना ही है कि इस मुद्दे पे मैं चर्चा भी ऑनलाइन कर रहा हूं, और आप अगर YouTube पे जाएंगे, Google पे जाएंगे, तो आपको ऐसे आलेख मिलेंगे, इस पक्ष में बात करते हुए लोग मिलेंगे कि ऑनलाइन एक वरदान है। सही बात है कि वरदान तो है, क्योंकि जिस वक्त पूरा विश्व कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त ऑनलाइन स्टडी, वर्क फ्रॉम होम, यही दो विकल्प बचा हुआ था। तो वरदान तो कह ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई छात्र हैं जिनके पास समय की कमी, कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, उनके पास टाइम की कमी है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन बिल्कुल वरदान है, या फिर ऐसे छात्र जिनकी स्टडी हो गई है, जिन्होंने बेहतर पढ़ाई की है, टाइम टू टाइम आवश्यकता अनुसार कंटेंट्स के लिए ऑनलाइन क्या है, एक वरदान है। कभी कभी मोटिवेशन के लिए भी यह वरदान साबित हो जाता है। लेकिन कभी गौर कीजिए कि लर्निंग प्रोसेस साइकोलॉजी क्या कहता है। तो वो वकालत करता है, प्रत्यक्ष शिक्षा की वकालत करता है, प्रैक्टिकल स्टडी की बात करता है। और अगर हम परंपरागत एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना होगा, ऋग्वेद का एक सूक्त है, मंडूकी सूक्त, जो एजुकेशन के नेचर के बारे में बताता है। ऋग्वैदिक काल में लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं थी, जितनी वैदिक मंत्रों की रचना हुई सब मौखिक हुई, शिक्षा का स्वरूप मौखिक था, और श्रवण परंपरा के आधार पर लंबे समय तक ज्ञान सुरक्षित रहा। जब स्क्रिप्ट का आगमन हुआ तो उस मंत्रों को लिपिबद्ध किया गया, उसका पुस्तकीय रूप सामने आया, उसका संकलन हुआ। स्टूडेंट उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में जाते थे और वहां टीचर के समक्ष शिक्षा ग्रहण करते थे, स्नातक होकर निकलते थे। उपनिषद का अर्थ भी यही होता है, निकट बैठना। किसके निकट? गुरु के निकट बैठना। क्यों? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष एजुकेशन ही हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था रही है। लेकिन वर्तमान दौर में ऑनलाइन एजुकेशन पे विशेष जोर है, क्योंकि यह वरदान से कम नहीं है। लेकिन सही मायने में देखा जाए, क्या यह ऑफलाइन का सही विकल्प है? कभी सोचकर देखिए। तो आपको कभी कभी यह लगेगा कि यह विशुद्ध तौर पे मार्केटिंग है, जो अपने बाजार को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इतना शोर शराबा है, इतना जबरदस्त प्रचार है, कि आप चुनने की स्थिति में नहीं रह जाते कि क्या मेरे लिए उपयुक्त है और क्या मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। दरअसल एक कहानी का मैं जिक्र करूंगा। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और मरने के बाद वो यमलोक पहुंच गया, और वहां चित्रगुप्त हिसाब किताब करने लगे, भाई कितना पाप किए हो, कितना पुण्य किए हो। उस बंदे का पाप और पुण्य दोनों बराबर है, बराबर था। जितना उसने पाप किया था उतना ही पुण्य किया था। चित्रगुप्त महोदय ने कहा, भाई चुन लो, स्वर्ग में रहना चाहते हो या नरक में रहना चाहते हो? उस बंदे ने कहा, देखना चाहूंगा स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। उसे स्वर्ग के दरवाजे पे ले जाया गया। तो वो देखता क्या है कि एकदम बिल्कुल सन्नाटा सा माहौल है, किसी की कोई एक्टिविटी नहीं है। उसने कहा, नरक भी देखना चाहूंगा। उसे नरक के पास ले जाया गया। वहां दरवाजे पे देखता है तो काफी चहल पहल, एक्टिविटी, एकदम सुगंधित वातावरण, नृत्य संगीत का माहौल बना हुआ था। उसने कहा, मैं तो इसी को चुनूंगा, मेरे लिए यही स्वर्ग है। चित्रगुप्त महोदय ने कहा, ठीक है जाओ। जब वो अंदर प्रवेश किया तो देखता क्या है, बिल्कुल डिफरेंट वातावरण, बड़ा बदबूदार वातावरण, बड़ा ही शोर शराबा, लोगों को यातनाएं दी जा रही थी।
उसने कहा, मेरे साथ तो छल हुआ, बाहर मैं कुछ और देखा, अंदर कुछ और है। चित्रगुप्त महोदय ने कहा, भाई यह नरक का ट्रेलर था जो तूने बाहर देखा था। सही मायने में देखा जाए तो मार्केटिंग ट्रेंड कुछ इसी रूप में है। दिखता बड़ा अच्छा है, जैसे आप आए दिन देखते होंगे गूगल पे यूट्यूब पे लगातार प्रचार आ रहा है आदिवासी तेल। लगता है इसे गंजापन का एकमात्र विकल्प है, जो गंजे हैं उनके लिए, जो संभावित गंजेपन के शिकार होने वाले हैं उनके लिए भी। इतना जबरदस्त प्रचार एकमात्र सॉल्यूशन के रूप में वही दिख रहा है। नहीं, ये क्या है, एक मार्केटिंग पॉलिसी है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी अगर आप गौर करेंगे तो कोशिश यही है कि जो क्लास दिया जाए वो इंटरेस्टिंग हो, उपयुक्त हो, सेकेंडरी है, इंटरेस्टिंग हो, छोटे कम टाइम का क्लास हो, साथ ही साथ बीच में मस्खरी भी हो, मतलब स्पष्ट है कि सतही ज्ञान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पसंद करें। इसका मतलब उपयुक्त ना हो, क्योंकि उपयुक्त होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तो पसंद करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे। उद्देश्य क्या लगता है, रिजल्ट देना है या उद्देश्य व्यूअरशिप बढ़ाना है? तब लगता है कि उद्देश्य व्यूअरशिप बढ़ाना है। नहीं, क्या इसी उद्देश्य के साथ स्टूडेंट पढ़ाई करता है? कभी सोचकर देखिए। दूसरी बात मैं अगर करूं, कई ऐसे लोग हैं जो वकालत कर रहे हैं, कई क्या 90% से ज्यादा, कि ऑनलाइन में समय की बचत होती है। मुझे भी लगभग यही लगता है कि समय की बचत होती है। क्यों? चूंकि आपको तैयार होना नहीं पड़ता है, आपको रूटीन होना नहीं पड़ता है, किसी एजुकेशन सेंटर पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर में बैठे लैपटॉप खोला पढ़ाई शुरू कर दी, आने जाने के झंझट से मुक्ति मिली। हो सकता है कभी एजुकेशन सेंटर पे जाते क्लास नहीं होता, लौटना पड़ जाता, रेयर, वो भी टाइम की बचत हो रही। तो लगता है जैसे कि नहीं, समय तो बचता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो क्या आप समय बचा रहे हैं? कभी गौर करके सोचिएगा, क्या आप सीरियस हैं उस क्लास को लेकर? क्या उसके लिए आपकी तैयारी होती है कि आप बिल्कुल टाइम पे जगें और तैयार होकर एकदम प्रिपेयर हो जाएं कि मुझे क्लास लेना है? क्या कभी ऐसा नहीं होता है कि बगैर मूड का हम पढ़ रहे हैं, टेम्परामेंट नहीं है फिर भी देख रहे हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि चलो वीडियो अवेलेबल है बाद में देख लेंगे, एक ही क्लास को 2-3 शिफ्ट में देखते हैं या कल पे टाल देते हैं? अगर कल पे टलने लगा तो बीच में ही क्लास छूट जाएगा, क्योंकि आप खुद को हमसे बेहतर जानते हैं। और अगर आप इससे जुड़े हैं तो आपको पता है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। और क्या लगता है कि सिर्फ लैपटॉप मोबाइल से वही टाइम जुड़ने का है, या हमारे आदत में शुमार हो गया, क्लास देखते देखते नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी मिंकी रिंकी चुन्नू का फोन भी आ रहा है, उसको भी देखना है। हमारे काम के तो कुछ ही एप्लीकेशन है, लेकिन उसके बाद ढेर सारा एप्लीकेशन से हम जुड़ते हैं। 80% ऐसा भी एप्लीकेशन है जिसको हमारे लिए उपयुक्त ही नहीं है। इंटरटेनिंग ढेर सारा वीडियो है, रील्स है, वहां पे अपना टाइम हम गमा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से हम समय की बचत कर रहे हैं। और ऑनलाइन में क्या आप ऑफलाइन की तरह पढ़ते हैं कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना कंटेंट्स भी तैयार हो रहा है? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तब तो समय की बचत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसका मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वही अगर जब आप ऑफलाइन का क्लास करते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप रूटीन्ड होते हैं, आप तैयार होकर एजुकेशन सेंटर तक जाते हैं, वहां टीचर आपको एक उपयुक्त माहौल देता है, वो माहौल आपको सजगता देता है, आप सीरियस होते हैं पढ़ने के लिए, वो टीचर ट्रेनर की भूमिका में होता है, जो आपके लैकिंग के लिए भी आपको नॉक करता है, क्यों नहीं आए जी, है ना, क्या कर रहे हो, यानी आपको बुस्ट भी करता है, आपको नॉक भी करता है। वो चाहे क्लास 1 घंटे का ले या 2 घंटे का ले, उसका एक्ट आपको अलर्ट रखता है
आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, रिपीटेशन सुनते हैं, देन आप नोट्स तैयार करते हैं, और जब पढ़ाई समाप्त होती है बाद में जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बुक और नोट्स के साथ जब आप अपना नोट्स क्रिएट करते हैं वो आपको सफलता तक ले जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई बेहतर विकल्प है। हो सकता है आप लोगों को लगे, कभी सोच के देखिएगा। चूंकि आदत मोबाइल की पड़ गई, हम सोते भी हैं तो मेरे बगल में मोबाइल होता है, जगते हैं तो पहला मिलाप होता भी किससे, मोबाइल से है। और जैसे ही हम मोबाइल हाथ में लेते हैं हमारा पूरा रूटीन और डिसिप्लिन प्रभावित हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता कि मेरा टाइम कैसे कट गया। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जनरली अगर आप देखें तो ये जो ऑनलाइन स्टडी है अपने आप को इस रूप में प्रोजेक्ट करती है कि आपको लगता है कि बड़ा सुविधाजनक है, ये हमें सब कुछ दे रहा है, ये भी अपने आप में सुविधाजनक ज्ञान ही है। घर बैठे हमें सब चीज मिल रहा है, शिक्षा आपके द्वार है ना, अच्छा पढ़ाएंगे भी, बेस्ट फैकल्टी भी होगा, आपको कंटेंट्स भी देंगे, आपको बुक भी देंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, सब कुछ आपको बैठे बिठाए आपको मिल रहा है। तब तो सिर्फ लक्ष्य साधना है, लक्ष्य का संधान किया कि भाई हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बाकी सब तो आपके पास ही। आपको लगता है कि इससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो हम एक कामना करते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है वो हमारी अपनी राय अपने डिसीजन पे आधारित होता है कि भाई हमें ये करना है। लेकिन हर चीज अगर आपको अवेलेबल करा दिया जाए तो क्या आप पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं? सारा काम तो करके दे दिया, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ पढ़ने की ही तो जरूरत है। लेकिन क्या इस आधार पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं एग्जामिनेशन के लिए? क्योंकि हर चीज अवेलेबल है, आपको अपना नोट्स क्रिएट करना नहीं, आपको टेस्ट बुक पढ़ना नहीं है, क्योंकि कंटेंट्स कट एंड पेस्ट का मिल गया जिसमें टेस्ट बुक की तरह रिदम ही नहीं है। जाहिर सी बात है आपके पास कंटेंट्स है लेकिन वो बुक में है, कॉपी में है, इधर है क्या? नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में तो आप ही बैठेंगे, प्रेजेंटेशन तो आप ही का होगा, मूल्यांकन आपकी कॉपी का होगा। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लक्ष्य बनाना, चलिए आपके सोच पे, आपके अगल बगल की वातावरण पे निर्भर करता है, और चाहिए कि लक्ष्य हमारा ये है, आपका होना ही चाहिए। लेकिन प्रोसेस उतना आसान नहीं होता, प्रोसेस बहुत जटिल होता है, और वही प्रोसेस आपको आपके लक्ष्य के लिए प्रिपेयर करता है। वो प्रोसेस कोई करके दे दे तो ये प्रिपरेशन उसका है, आपका तो है, और ये कॉमन प्रिपरेशन है, तो फिर आप में मौलिकता कहां है किसी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए? कभी ये सोचकर भी देखिए। कहा जाता है कि अभाव में ही भाव क्रिएट होता है, है ना? और हर एक जगह का अपना एक डिसिप्लिन होता है। क्या वो स्टूडेंट वाला डिसिप्लिन है जो एक स्टडी प्रोसेस का डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या वो डिसिप्लिन है? वही डिसिप्लिन आपको सफलता तक ले जाता है, जो ऑफलाइन में संभव है ऑनलाइन में संभव नहीं है। आप यही सोचिए, कई बार लोग बोलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके जाते थे, शिक्षा ग्रहण की, भारत के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर अबुल कलाम अखबार बेचते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, भारत के राष्ट्रपति बने। आप ऐसा सोचिए कि अगर उनके पास इतनी तमाम सुविधाएं होती क्या वो ये होते जो हुए, या कुछ और होते? कभी गौर करके सोचिएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस से बिल्कुल अलग कर देता है। जो आप में स्ट्रेंथ देता वो स्ट्रेंथ ही नहीं दे पाता है। एक और चीज है जो गौर करने की बात है, आप जिस एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हो क्या उसका नेचर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सोचने की बात है। हम एग्जामिनेशन देंगे, ऑफलाइन प्रोसेस है, हम इंटरव्यू देंगे, ऑफलाइन प्रोसेस है, तो क्या इसकी तैयारी ऑफलाइन होनी चाहिए ऑनलाइन होनी चाहिए? तब लगता है कि नहीं, इसकी तैयारी भी ऑफलाइन ही होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमें अपने स्ट्रेंथ का पता होता है,
हमें हमारी चुनौती, हमारे कंप्यूटर का पता होता है, जो ऑनलाइन में कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन का उद्देश्य सिलेक्शन नहीं बल्कि रिजेक्शन है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। आप जिस लक्ष्य को भी चुन रहे हो, वहां पे फाइट करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में आपको अपनी चुनौती का भी तो पता होना चाहिए, तभी तो अपने स्ट्रेंथ को आप बिल्ड करेंगे। क्या यह ऑनलाइन में संभव है? यह तो हर हाल में ऑफलाइन में ही संभव है, जहां हमें अपने प्रतिद्वंदी का पता होता है और जहां हमें अपने स्ट्रेंथ का आभास होता है और हम अपने स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब परीक्षा का नेचर ऑफलाइन है तो फिर ऑनलाइन कितना श्रेयस्कर होगा? क्या हम ऑनलाइन के बूते उन्हें चुनौती दे सकते हैं जो ऑफलाइन के स्तर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि बैटिंग तो उसी पिच पे बेहतर होगी जिस पिच पर बैट्समैन का बेहतर प्रैक्टिस हुआ हो, मानते? तो ये अगर स्तर है, अगर हम देखते हैं कि नहीं भाई ये अंतर दिखाई दे रहा है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। मैं नकार नहीं रहा हूं ऑनलाइन को, ऑनलाइन पॉजिटिव है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जिनके पास टाइम है, जिनके साथ जिनकी संसाधनों तक पहुंच है, वो भला अपने आप को इस सुविधाजनक स्थिति में लाकर कमजोर करना क्यों चाहते हैं? क्या जरूरत है? क्योंकि एक बात तो मानते हैं कि जैसे जैसे हम इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने लगे, मोबाइल से जुड़ने लगे, धीरे धीरे अगर आप देखिए तो डिसीजन मेकिंग की क्षमता ही प्रभावित हो गई। हम दूसरे की राय से प्रभावित हो रहे हैं, अपनी कोई राय ही नहीं है। मोटिवेशनल क्लास सुनने की आदत पड़ गई, हम सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है। अगर हमारी अपनी कोई अपने बारे में राय ही नहीं है, तो भला मैं दूसरे की राय को कैसे मानूंगा और कैसे जज करूंगा मेरे लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो रेगुलर मोटिवेशनल क्लासेज को भी देखना, यह कहीं से श्रेयस्कर नहीं है, यह तो हैबिट में शामिल हो गया, यानी आपको रोज स्टिमुलेट करने की जरूरत है। नहीं, इनको भाई थोड़ा पोक कीजिए तब ये कुछ काम करेंगे। आपको लगता है एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोज आपको कोई कहे कि ना भाई आज कुछ करना है, आज कुछ करना है, या आपका वर्क दूसरे को मोटिवेट करे? ये मायने रखता है, ना कि हम रोज मोटिवेशन क्लासेस देखें और रोज मोटिवेट हो। मुझे नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं अपने विचार को आप पे आरोपित नहीं कर रहा हूं और मैं कोई ऑनलाइन का आलोचक भी नहीं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि ऑनलाइन ऑफलाइन का सही विकल्प है, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही विकल्प है। हां, विषम परिस्थिति के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वर्तमान दौर में तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन का बेहतर विकल्प ऑनलाइन दे ही नहीं सकता, जैसा मुझे लगता है। थैंक यू।